वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ, एक बेस्ट हेयर मास्क लेकर आई हूँ। बिल्कुल नेचुरल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसके इस्तेमाल से आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस टिप का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे या आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल स्किप कर देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे, घने, सिल्की हो जाएं, टूटने से भी महफूज रहें, बालों की ग्रोथ भी होती रहे वक्तन फवक्तन, तो अक्सर ऐसा होता है कि बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए सबसे पहला काम हेयर ट्रिमिंग करेंगे। आपके जो एंड्स हैं वो अगर रूखे फीके हो चुके हैं उनकी वजह से भी बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप अपने बालों को, यानी कि बालों के एंड्स को आपने काट लेना है। ज़्यादा नहीं काटे तो तकरीबन 2 से 3 इंच जितने आप काट दें या जितने बाल ख़राब हुए हुए हैं उतने आप काट सकते हैं। और उसके बाद आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं अपने बालों पर। कोई सा भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में। तो इस रेमेडी को आपने कैसे तैयार करना है और कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से अज्जा हमने लेने हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करना है और कब इसको इस्तेमाल करना है। तो इस हेयर ग्रोथ मास्क को तैयार करने के लिए हमने 3 चीज़ें लेनी हैं, वो हैं दालचीनी का पाउडर, बेकिंग सोडा और कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। अगर आपके पास ओलिव ऑयल है यानी कि जैतून का तेल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही हमारे बालों की ग्रोथ के लिए ज़बरदस्त हैं। और दालचीनी हमारे सर की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, एक्टिवेट करता है और उसके साथ ही हमारे बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो आइए हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है। इसमें मैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और इसमें हम 3 बड़े चम्मच ओलिव ऑयल के लेंगे या फिर आप कोकोनट ऑयल के लेंगे। इन दोनों ऑयल में से आप एक ऑयल ले सकते हैं। ऑयल आप पैकिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पंसारी वाला है यानी कि खुला, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली खुला यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और पंसारी वाला जो ऑयल होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। तो हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए अपने बालों पर। और 1 घंटे के लिए ही लगाएंगे आप इस मास्क को अपने बालों की जड़ों में। अच्छे से उंगलियों की मदद से आपने इसको स्किन में, बालों की स्किन में जज्ब करना है अच्छे से सर की खोपड़ी में। और उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, हर उम्र की लड़कियां, ख़वातीन, बच्चियां, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या 5 से 6 साल की बच्चियों के बालों की ग्रोथ नहीं हो रही तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और नेचुरल रेमेडी है हेयर ग्रोथ के लिए। आपकी बालों को सिल्की बनाएगा, बालों को नर्म मुलायम बनाएगा, रूखे फीकेपन से निजात मिल जाएगी। तो ये थी हमारी छोटी सी रेमेडी। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपको अच्छी लगेगी। और आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल करें, हेयर ऑयलिंग लाजमी किया करें। जब तक आप अपने बालों की केयर नहीं करेंगे आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। अक्सर ख्वातीन या लड़कियाँ स्किन का ख्याल तो रखती हैं लेकिन बालों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हैं। और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि वो जो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बाल लंबे हों, घने हों, झड़ने से महफूज रह जाएँ, सिल्की स्ट्रेट हों, तो वो इस रेमेडी का लाजमी इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगेगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। बहुत ही अच्छी और नेचुरल रेमेडी है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को सिल्की, लंबा, घना बनाने के लिए और बालों को झड़ने से महफूज रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।